हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि एलपी की जो कंप्लीट ट्रेनिंग है उसके बारे में हम पूरा देखेंगे। मेरा ट्रेनिंग जो है कहाँ कहाँ पर हुआ था और कैसे जो है इसके एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में आप जब ट्रेनिंग देने जाएंगे एलपी का तो उसमें आपका एग्ज़ाम भी होगा। और एक बात पर और आपको फोकस करना है कि जो लोग ट्रेनिंग में भी फेल हो जाते हैं तो उनके साथ मतलब क्या होता है, क्या उनको निकाल दिया जाता है या फिर नहीं, इस पर भी हम जो है इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, देखिए 2 तारीख को 2/10/2019 अक्टूबर में मतलब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है। मतलब मुझको गोरखपुर के लिए डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया गया था। मतलब ये जब एकदम ज्वाइनिंग होती है तो उस समय भी एक छोटा मोटा डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक। उसके बाद से 3 तारीख से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। गोरखपुर में होता है तीन जगह, सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग होती थी, मतलब NER में बता रहा हूँ। तो एक होता था गोरखपुर में, दूसरा है गाजीपुर में, ठीक है, और तीसरा है गोंडा। गोरखपुर में होता है इलेक्ट्रिक का ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। गाजीपुर में ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेनिंग होती है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो है कि जो सिग्नल के बारे में बताया जाता है, ट्रैक के बारे में बताया जाता है, जो भी नियम कानून है जो ट्रेन जैसे चलती है, उसके यातायात के जो नियम हैं उसके, वो सब बारे में जो है गाजीपुर में बताया जाता है। फिर गोंडा में है डीजल इंजन के बारे में, मोस्टली यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले जो है मेरा जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था वो इलेक्ट्रिक का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था। उससे पहले मैं बता देता हूँ, देखिए LJN जो डिवीज़न है, उसके बाद से एक डिवीज़न है आपका बनारस डिवीज़न, ठीक, और ये है इज्जत नगर। तीन डिवीज़न में 80-80 स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन पहले स्टार्टिंग मतलब पहले फेज के लिए जो है जो ट्रेनिंग था, 240 लड़कों को सेलेक्ट किया गया था। और इन्हीं तीन ग्रुप से जो है चार बैच बनाए गए थे। तो चार बैच में जो क्या किया गया था कि जैसे इस LJN के 20 लड़के इस पहले बैच में, फिर दूसरे में 20 लड़के, तीसरे में 20 और चौथे में 20, मतलब ये 80 लड़के हो गए LJN के चारों में डिवाइड। फिर बनारस के भी 20 लड़के इसमें, 20 लड़के इसमें, ठीक है। ऐसे करके जो है तीनों बैच में 20-20 लड़के जोड़ के जो है 60-60 का बैच बन गया, चार बैच, ठीक है। क्या किया गया, दो स्टार्टिंग के बैचेज को जो है गोरखपुर रहने दिया गया, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक की ट्रेनिंग किए, बाकी के 60 बैचों को बच्चों को भेज दिया गया गाजीपुर जो ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेनिंग करने लगे, और बाकी के जो 60 थे वो डीजल की ट्रेनिंग के लिए गोंडा भेज दिया गया। अब जो लोग इलेक्ट्रिक की ट्रेनिंग पूरा कर लेते थे वो गाजीपुर चले जाते थे, और गाजीपुर वाले गोंडा चले जाते थे, और जो गोंडा लोग थे वो गोरखपुर चले जाते थे। ऐसे एक साइकिल में चलता था, ठीक। जो ट्रेनिंग जहाँ होती हो जाती थी उसके एग्ज़ाम वहीं पर हो जाते थे। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेनिंग जो कर रहे हैं गाजीपुर में, उनका 30 दिन में ट्रांसपोर्टेशन का जो कोर्स था, देखिए मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक का जो ट्रेनिंग हो रहा था वो करीब 44 दिन के आसपास का ट्रेनिंग था। ट्रांसपोर्टेशन का जो ट्रेनिंग था वो 30 दिन के आसपास का था, और डीजल का जो ट्रेनिंग था वो 20 या 22 दिन, ठीक है, इसके आसपास था। मतलब टोटल 108 दिन में ट्रेनिंग कम्प्लीट होनी थी। इसी में आपका फुट प्लेटिंग भी था। फुट प्लेटिंग मतलब ये था कि आपको 10-12 दिन जो था शायद ऐसे करके 2 हफ्ते आपको ट्रेन पे जा करके देखना था, LR की तरह एक तरह से करना था कि 1000 या 1200 किलोमीटर आपको LR करने थे इतने दिनों में। तो कुल मिला के जो है टोटल 108 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें ये 44 दिन इलेक्ट्रिक है, 30 दिन आपका ट्रांसपोर्टेशन है, और 20 से 22 दिन का डीजल है, ठीक। तो ऐसे ही साइकिल में चलता था। अब इलेक्ट्रिक का पेपर हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक का जो ट्रेनिंग हो गया 44 दिन में, तो वहीं पर जो है आपका इलेक्ट्रिक का पेपर अगले दिन कम्प्लीट हो जाता था। तो पेपर कैसे आते थे, पेपर जैसे क्या आता था कि 100 नंबर के पेपर रहे, तो उसमें क्या है कि 40-50 क्वेश्चन ऐसे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी थे, और 60 क्वेश्चन के आसपास जो है वो मतलब 60 नंबर के आपको करने थे थियोरेटिकल, मतलब सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पर मैं क्या कि नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इसी के 10-15 नंबर इर्द गिर्द था। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर आपको देने थे। फिर उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन का भी सेम ऐसी पैटर्न पे जो है पेपर था, और डीजल का भी जो है सेम इसी पैटर्न पे पेपर था। मतलब ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेंगे और सब्जेक्टिव भी आपको लिखने भी रहेंगे। जो ट्रेनिंग था वहीं पे आपको एग्ज़ाम उसके कंप्लीट हो जाते थे, और सबसे लास्ट में क्या था, इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो इंटरव्यू के भी मार्क्स थे, ठीक। तो ये सारे मार्क्स को जोड़ करके जो आपको पास करना था, 50% के आसपास जो है पासिंग था, मतलब 50% से ऊपर पाएंगे तब जो है आप ट्रेनिंग पास कर पाएंगे। तो इसमें क्या था कि अगर मान लीजिए फेल होने पर क्या कंडीशन थी, अगर मान लीजिए पहली ट्रेनिंग आपकी पूरी पूरी हो रही है और आप फेल हो जाते हैं, ठीक है,
तो आपको एक मौका और दिया जाएगा, और अगर आप उसमें भी पास नहीं होते हैं और उसमें जो है आपको खुद के पैसे से आपको ट्रेनिंग करनी है, उसमें आपको स्टाइपेंड जो ट्रेनिंग में मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक। और अगर आप दो ट्रेनिंग नहीं पास कर पाते हैं तो थोड़ा बहुत मुश्किल है कि आप मतलब जो है कि जॉब में रह पाएँ, क्योंकि दो ट्रेनिंग के बाद इनकी कंडीशन थी ये लोग जो है आपको जॉब से निकाल देते हैं। तो आपको कम से कम जो है पहले में भी पास तो होना ही था, किसी भी हालत में आपको पास होना ही है। तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रेनिंग नहीं था, आपको पास आप पास कर जाएंगे, बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगी। पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ये लोग कुछ क्वेश्चन मतलब जो है सेट आपको प्रोवाइड भी कराते थे कि आप इनमें से पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन जो है फंसेंगे आपके, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं था, सोचिए 44 दिन में या फिर 20 दिन 22 दिन में जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जा रही थी। लेकिन देखिए पहले जो ये ट्रेनिंग एक एक साल की ट्रेनिंग होती थी, जो ट्रेनिंग बहुत छोटी कर देगी, सोचिए एक एक साल की जो ट्रेनिंग है वो 108 दिन में कंप्लीट कराई जा रही है, तो बर्डन बहुत ज़्यादा मतलब जो है कि ट्रेनिंग का हो जाता था। पहले क्या होता था कि पहले स्टार्टिंग में क्या होता कि एक बैच को जो सिर्फ इलेक्ट्रिक की ही ट्रेनिंग कराई जाती थी, फिर दो दो तीन साल बाद जो है फिर तब डीजल की उनकी अलग से ट्रेनिंग होती थी, ऐसे होता था। अभी क्या है कि तीनों ट्रेनिंग मतलब इलेक्ट्रिक और डीजल की ट्रेनिंग दो है जो है कि साथ में ही हो जा रही है। पहले क्या होता था, पहले कुछ बैच जो है इलेक्ट्रिक की ट्रेनिंग कर लेते थे, साल 2 साल बाद 3 साल बाद फिर उनसे डीजल की ट्रेनिंग कराई जाती थी, तब जो है डीजल की गाड़ियाँ उनको दी जाती थी। लेकिन अभी जो नए बैच में जो भी वैकेंसी अभी हम लोग जब आए हैं, तब से क्या है कि सारा मतलब ट्रेनिंग एक ही साथ हो जाता है, इलेक्ट्रिक का भी और डीजल का भी। ट्रांसपोर्टेशन का तो ट्रेनिंग मतलब होता ही है, सबके सबका जो है साथ में होता है, क्योंकि इसके बिना तो ट्रेन चल ही नहीं सकती अगर आप सिग्नल के बारे में नहीं जानेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या था कि आपको 50% नंबर लेके आने होते हैं, अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा और आपको एक बार और मौका दिया जाएगा, जिसमें आपको स्टाइपेंड जो मिलता है उसमें सैलरी आप जो कहते हैं, ठीक है, वो नहीं मिलेगा। आपको अपने खर्चे से जो है वो ट्रेनिंग पूरी करनी होगी और उसमें एकदम कंपलसरी आपको पास होना ही होना है। तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा कि कम से कम ट्रेनिंग जो है आप फेल ना हो, पास हो जाए। तो जनरली सभी लोग पास हो जाते हैं, ठीक। जब इलेक्ट्रिक की ट्रेनिंग हो रही थी गोरखपुर में, तो कभी कभी क्या होता है कि बीच बीच में जो है वो लोग इंजन भी दिखाने ले आ रहे थे, ठीक है, कि आप इंजन पे जाएंगे और इंजन में जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उन सब के चीज़ों के बारे में वो बता भी रहे थे। जब हम लोग गोंडा में ट्रेनिंग किए थे तो गोंडा में डीजल सेट भी है, ठीक है, तो वहाँ पे तो काफ़ी सारी डीजल इंजन रखे हुए हैं, तो वहाँ पे डीजल सेट में खुद भी जाकर देख सकते थे, ऐसा बात नहीं है। वहाँ पर जब भी जाइए, कोई टेक्नीशियन है चाहे कोई भी है वहाँ पे, तो आपको डिटेल बता दे रहा था कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे लगा हुआ है, क्या इसके ऑपरेशंस हैं, ठीक है। बाकी टीचर्स भी जो है उनको मौका मिल रहा था, तो बीच बीच में जो है एक एक बैच के कुछ कुछ लड़कों को ले जा करके जो है इंजन दिखा रहे थे। तो ट्रेनिंग तो अच्छा हुआ था, ट्रेनिंग और पढ़ाई भी मतलब अच्छी हुई थी, कोई इसमें फेल नहीं हुआ था, मतलब तीनों बैच में कभी भी अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि जो फेल हुआ हो, एक भी बार फेल नहीं हुआ कोई। और मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्म फॉर्मेलिटी के एग्ज़ाम नहीं होते हैं, आपको एग्ज़ाम देना है और इसमें भी कम से कम आपको पास होना है, तो पास हो जाएंगे, बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है ये। तो ये था मेरा मतलब कंप्लीट ट्रेनिंग का डिटेल था, 108 दिन की पूरी ट्रेनिंग थी, ठीक है। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए ट्रेनिंग को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर द स्टूडेंट के इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। जो चीज़ मैंने डिटेल्स में बता दिया है उसको उसके अलावा जो है अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।